Hi, this is Joginder Singh and you are watching Numerica Maths. Students, today's question is from Rational Numbers, Chapter 1, Class 8, Mathematics. And it's question number 7 from exercise 1.2. Question है, find 10 rational numbers between 3 over 5 and 3 over 4. तो जो लोग मेरे वीडियोज़ पहले से देखते आ रहे हैं, they all knows हाउ टू सॉल्व दिस. पुराने रिविजन कर सकते हैं और नए इसको देखें कैसे करना है. सो फॉर सॉल्विंग दिस जस्ट टेक असाइड ऑल द थिंग्स जस्ट लाइक दिस एंड हेयर इज अवर क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को आप नीचे ले लो और इसे सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं उनमें से हम यूज़ करेंगे इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर्स. ये एकदम एक्यूरेट मेथड है, परफेक्ट मेथड है और कम टाइम में हो जाता है. समझाने में बेशक मुझे टाइम लगे बट समझने के बाद आप इसको इजीली जल्दी कर सकते हैं. ये ज़्यादा लेंदी मेथड नहीं है. सो फॉर इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर्स हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे. उसके लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट डिनोमिनेटर को सेकेंड डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो. 5 into 4 दैट मीन्स 20 और सेकंड डिनोमिनेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर से मल्टीपल कर दो दैट मीन्स 4 into 5. ये भी हो गया 20. बट ये जो नंबर्स हमको ओरिजिनल मिले हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते. तो अगर हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लिखना है तो न्यूमरेटर में भी 4 लिखना पड़ेगा. 4 upon 4. यहाँ पे 5 यूज़ करना है तो हम 5 upon 5 यूज़ करेंगे. कैसे, ये देखो फर्स्ट पोर्शन में हमने 4 upon 4 ऐड किया मल्टीपल करके और सेकेंड वाले पार्ट में हमने 5 upon 5 लिया. लुक एट दिस केयरफुली. दोनों के डिनोमिनेटर्स आफ्टर कैलकुलेटिंग हमारे पास 20 हैं. सो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आपको पता है. न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीपल करो तो 3 into 4 हमको क्या मिला, 12 और डिनोमिनेटर में 5 into 4 हमको मिला 20. सेम एज बिफोर हमारे पास 3 into 5 है तो ये हो गया हमारा 15 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 times 5 दैट मीन्स 20. नाउ इट्स क्लियर दैट दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास 20 है तो न्यूमरेटर में देखेंगे हम कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉल. 15 ग्रेटर है, 12 स्मॉलर है. तो हमारा लेफ्ट साइड वाला नंबर स्मॉलर है और राइट वाला ग्रेटर है. इक्वेटिंग द डिनोमिनेटर्स में जब हमें इस तरह की सिचुएशन मिल जाए जहां डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो केवल न्यूमरेटर्स के बीच में नंबर इंसर्ट करके हम एक्स्ट्रा नंबर निकाल सकते हैं. यहाँ 12 और 15 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 13 एंड 14. बट हमको चाहिए कितने थे यहाँ पे, 10. तो 10 नंबर्स इनके बिटवीन इंसर्ट करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं. यहाँ पे 10 by 10 दोनों तरफ कर सकते हैं या 100 by 100. हमने चूज़ किया है 10 by 10. जैसे ही हमने न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को ऑपरेट किया तो हमें मिलता है 120 upon 200 एंड 150 over 200. नाउ ये जो सिचुएशन हमारे सामने है यहाँ हम इजीली बहुत सारे नंबर्स 120 और 150 के बिटवीन इंसर्ट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर हमारा अब भी सेम है. नाउ बिकॉज हमको 10 नंबर्स इंसर्ट करने थे तो हम इनको स्प्रेड आउट करेंगे और बीच में 10 नंबर्स के लिए स्पेस बना देंगे. 120 से हमको बड़े नंबर चाहिए और 150 से हमको छोटे नंबर चाहिए. सबका डिनोमिनेटर होगा 200. फर्स्ट नंबर चूज़ किया है हमने 123. सेकेंड हमने लिया है 127. आपकी चॉइस है, आप कोई भी ले सकते हो. हम ये वाले ले रहे हैं तो हमने लिया 130 एंड देन 133 एंड 139 एंड 141 देन 144 एंड देन 146 आफ्टर देन 148 एंड एट द लास्ट इट्स 149. हमने ये वाले नंबर चूज़ किए हैं. इन बिटवीन आप कोई भी दूसरे नंबर चूज़ कर सकते हैं बट 120 और 150 के बीच में ही होने चाहिए. सो नंबर्स जो हमको बीच में चाहिए थे इन बिटवीन 10 नंबर्स वो हमारे सामने हैं. बट इसको आंसर की फॉर्म में अगर हम देखें तो ये करेक्ट नहीं है बिकॉज लेफ़्ट और राइट में ये जो नंबर्स हैं ये वो नहीं है जो हमारे क्वेश्चन में थे. लेफ़्ट में हमको 3 by 5 चाहिए था और राइट में हमको 3 by 4 चाहिए था. तो ठीक है, लेफ्ट वाले जो 120/200 है इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 3/5। और राइट साइड में जो 150/200 है इसको हम अगर 50 से डिवाइड करें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी तो हमें मिलेगा 3/4। नाउ इट्स द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द आंसर। और जिनको एक साथ मटेरियल राइट डाउन करने के लिए चाहिए वो वीडियो को पॉज करें और ये उनके लिए मटेरियल है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। देन जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, share it with your friends, and of course yes, press the bell icon for getting my all new videos. That's it for today. Thanks for watching.